दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के इतिहास में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। मुख्यमंत्री रहते हुए 5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त जेल में गुजारा और मुख्यमंत्री रहते हुए ही जमानत पर जेल से रिहा भी हुए। और अब जब उनकी रिहाई हो गई है तो वो इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। सवाल है कि क्यों? जब केजरीवाल मुश्किलों में घिरे थे, जब वो जेल जा रहे थे या फिर जब वो जेल चले गए थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं, तब वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की असली कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि जैसे ही नेता पर आरोप लगे वो अपना पद छोड़ दे। उदाहरण के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी, जिनका नाम जैन हवाला कांड में सामने आया तो उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और तब तक चुनाव नहीं लड़े जब तक कि वो अदालत से बाइज्जत बरी नहीं हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो इस नैतिकता के मापदंड और भी ऊंचे थे, क्योंकि वो आए थे शुचिता की राजनीति के लिए। लेकिन अगर इतनी ही ऊंची नैतिकता का पालन न भी हो पाए तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था कि जब गिरफ्तारी होनी तय है तो पद से इस्तीफा दे दे, जैसे चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले लालू यादव ने दे दिया था, या अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था। जब हेमंत सोरेन को लगा कि अब गिरफ्तारी 100% तय है तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और तब उनकी गिरफ्तारी हुई। जेल से रिहा हुए तो वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। आरोप लगे तब भी इस्तीफा नहीं दिया, गिरफ्तारी हुई तब भी इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहे तब भी इस्तीफा नहीं दिया, और अब जब जेल से बाहर आ गए हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब मिलता है अदालत के फैसले में। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बनाते हुए अदालत का रुख किया तो अदालत ने कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जरूरी नहीं है, वो जेल से सरकार चला सकते हैं। तो केजरीवाल जेल से सरकार चलाते रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी केजरीवाल से जेल में मिलने जाते रहे, फाइलें साइन होती रहीं और दिल्ली का काम चलता रहा। साथ ही केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं तो पार्टी का भी काम ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन केजरीवाल की जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी उसमें केजरीवाल का दिल्ली की सरकार चलाना लगभग नामुमकिन हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक न तो वो मुख्यमंत्री ऑफिस जा सकते थे, न ही दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, और न ही बतौर मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं, जबकि जेल में रहते हुए केजरीवाल फाइलों पर साइन कर सकते थे। ऐसे में केजरीवाल के लिए न सिर्फ सरकार चलाना मुश्किल है बल्कि 5 महीने बाद होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी वादे करने में भी केजरीवाल को मुश्किल आ रही है। लिहाजा केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, और वो भी ईमानदारी के नाम पर। आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अब इस ऐलान की वजह से अरविंद केजरीवाल एक तीर से दो निशाने साध चुके हैं। पहला तो दिल्ली है, जहां का कामकाज ठीक से चलता रहेगा, चुनाव के दौरान की जाने वाली घोषणाएं की जा सकेंगी और पूरा का पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द रखा जा सकेगा। लेकिन इससे भी बड़ा निशाना बीजेपी पर लगा है, जिसके सारे आरोपों का एक ही दांव में केजरीवाल ने जवाब दे दिया है। बीजेपी चाहती थी कि केजरीवाल का इस्तीफा हो, तो वो हो गया। बीजेपी कहती थी कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और कभी अपना पद नहीं छोड़ेंगे, तो अपनी ईमानदारी का हवाला देते हुए उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बता रही थी, तो इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल वो शीश महल भी खाली करने का ऐलान कर ही चुके हैं। तो अब बीजेपी केजरीवाल पर क्या कहेगी, कौन से आरोप लगाकर उनका घेराव करेगी, और बीजेपी जो भी कहेगी उसका जवाब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास तैयार है। बाकी रही बात इस्तीफे की,
तो याद करिए अरविंद केजरीवाल का बतौर मुख्यमंत्री पहला कार्यकाल, जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव के बाद ऐसी वापसी की थी कि उसकी कोई दूसरी मिसाल खोजे भी नहीं मिलती है। इस इस्तीफे के जरिए केजरीवाल उसी करिश्मे को दोहराने की कोशिश में है और तभी तो वो चाहते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव फरवरी में न होकर नवंबर में ही हो जाए। फरवरी में चुनाव है, आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी तो केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया ने भी कोई पद न लेने और जनता की अदालत में खुद को ईमानदार साबित होने तक के लिए इंतजार करने को कहा, और कायदे से ये इंतजार तो कम से कम फरवरी तक हो सकता है जब अगला चुनाव हो और नई सरकार बने। लेकिन इंतजार कम से कम हो इसलिए केजरीवाल तुरंत चुनाव चाहते हैं ताकि अपनी नई गढ़ी हुई छवि के जरिए वो 2015 वाला करिश्मा दोहरा सकें। इसमें केजरीवाल कितने कामयाब होंगे इसे परखने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।